सकुरा, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिलहाल पीछे ही रहो बेटी। असॉल्ट ब्लेड। आपको बीच में टांग अड़ानी है तो मेरे पास कोई चारा नहीं, लड़की को भी अपने कलेक्शन में शामिल करना होगा, है ना ग्रैनी जियो? ये भला क्या चीज है? तुम जो देख रही हो ये सासुरी की असली बॉडी नहीं, इसका एक पपेट है। इसकी असली बॉडी इसके अंदर है, कवच भी है और हथियार भी। पता है मैं अपने कलेक्शन के लिए नए पपेट कैसे बनाता हूँ? पहले बॉडी से सारा खून निकालता हूँ, फिर ऑर्गन्स। जैसा बुढ़िया ने कहा, इस पपेट का नाम हीरो को है। बुढ़िया और तुम्हें मिलाकर 300 पपेट्स का कलेक्शन हो जाएगा। शारिंगान के शक्ति वाले काकाशी सेंसेई असुरी मुझसे कई ज्यादा खतरनाक है। ये हिडन सैंड विलेज में रहता था और एक्सपर्ट मास्टर क्राफ्ट्समैन था। ये इस बेरहमी और हैवानियत को आर्ट कहता है। जैसे इस पपेट का नाम है हिरुको, सासुरी ने इसे खतरनाक पपेट बनाया है। तुम दोनों का भी वही अंजाम होगा। इस पपेट में कई सीक्रेट डिवाइसेस छिपे होंगे, मैं इसे आराम से निपट लूंगी। मुझे पता है कि मैं गलत थी। अगर अब हमें सासुरी को हराना है, मैं वो ताकत है, तुम में उसके जैसी ताकत है। पपेट के टुकड़े करने होंगे, हल्की सी खरोंच भी नहीं पड़नी चाहिए, तो छोटा सा कट भी तुम्हारी जान ले सकता है। बस जाने की कोशिश करो, इन वेपन से ढेर सारे अटैक्स करेगा। जरा मुझे ध्यान से देखो, मैं क्या लगती हूँ, मेरे मुकाबले तो इसका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं। हम मिलकर इसे हरा देंगे। ये आपस में क्या बात कर रहे हैं? बुढ़िया क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ गई, अब मैं तैयार हूँ। चलो शुक्र है। उस बुढ़िया पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है, ये दो सासुरी से निपट सकती है। ये मुझे यहाँ से भगाना चाहता है ताकि ये नरूटो से अकेला लड़ पाए। मुझे नहीं लगता कि नरूटो इससे अकेला जीत पाएगा। आप फिक्र मत कीजिए सेंसे। उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। बढ़िया मेरे वार से बच सकती है, ये कैसे बची? चुपचाप क्यों खड़ी है? ये सच में मुझसे अकेले टकराना चाहती है? ये बीच में ही रुक क्या? ये पढ़ो सकुरा। तुम तो बड़े ही अजीब जिनचुरी की हो। हम लोगों ने दो जिनचुरी की को खत्म किया है, इस लड़के के अलावा और दो, और तुम अपने जैसे इंसान को बचाना चाहते थे लेकिन तुमने देर कर दी। गहरा तो तब भी खत्म हो गया, वन टेल को निकाला। अब बहुत जल्द तुम्हारे साथ भी वही होगा। तो आखिरकार तुम बाहर आ गए, आ जाओ जरा मुझे अच्छे से देख लेने दो। पोते की शक्ल देखने के लिए मैंने पूरे 20 साल इंतजार किया।